सो फ्रेंड्स, एनसीएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसी पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यदि आपने आईटीआई की है या फिर आपने नॉन आईटीआई से अपना एनसीएल का कोई फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके काम की है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सबसे पहले देखिए, आप हम जो है एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है आपको भर्ती पर। ठीक है, तो भर्ती में जो है रिजल्ट की जो है आंसर की भी आई है, किस एग्ज़ाम की आई है वो भी बताऊंगा। बट हमारा जो आईटीआई स्टूडेंट है, जिन्होंने नॉन आईटीआई का फॉर्म भरा है या फिर आप जिन्होंने नॉन आईटीआई का फॉर्म भरा था और आईटीआई का फॉर्म भरा था, उनके लिए नोटिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसी वीडियो में वो सब समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यदि आप इन्फोटेट चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना। देखिए, हमारे यहाँ पर एनसीएल क्लासेस चल रही है, अगर आप एनसीएल क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको 27 क्लासेस जो है लगातार दी है। इसके अलावा हमने आपको यूपीएससी जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियंस और यूपीआर मिनल की भी क्लासेस हम दे चुके हैं, तो उनको वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियो हमने अभी तक आपको लाइव क्लासेस में दे दी हैं। तो हम चलते हैं सीधा जो है एनसीएल की वेबसाइट पर। तो देखिए, यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो कि सूचना जारी की गई है किस वैकेंसी के लिए, देखिए यहाँ पे इस पर क्लिक करना है थर्ड वाले ऑप्शन से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सूचना भर्ती अधिसूचना संख्या 466 466, ये एक आपका एडवर्टाइज नंबर है, कैसे जानेंगे इस पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे आप नोटिस दिया है, नोटिस पर क्लिक करना है। जैसे आप नोटिस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको सामने इस टाइप से ये नोटिस ओपन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है, देखिए 26 तारीख में ही आया है ये एनसीएल की तरफ से, और यहाँ इसकी एडवर्टाइज नंबर है ये वाला, तो ये 820 यहाँ पे लिखा है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, सॉरी ये संदर्भ संख्या है इनकी लेटर की, बट हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है वो कौन सा है वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना होगा सूचना में कि रोजगार सूचना संख्या एनसीएल मुख्यालय पीडी है ना, ये यहाँ पे लिखा है, नंबर लिखा है 466, दिनांक इतने इतने एनसीएल मुख्यालय, ये जो है संख्या लिखी है, और 22/2020 के संदर्भ में विभिन्न पदों में सीधी भर्ती है तो उम्मीदवारों को यदि कोई कोई हो उपरांत उल्लेखित दोनों रोजगार सूचनाओं में पदों में आवेदन किया है को निर्धारित रूप से दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा केंद्र में आवंटन के लिए सूचना के साथ प्रदान किए गए लिंक का उपयोग करें। आवेदित पद की जनसंख्या जानकारी प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है। अब मैं आपको सीधे रूप में बता दूं कि सिंपल लैंग्वेज में ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जो है नोटिफिकेशन ले चलता हूँ जो कि आपका आईटीआई बेस में निकला था। देखिए, ये आपका रेफरेंस नंबर है, ये आपके काम आएगा, कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये एक आपका रेफरेंस नंबर है जिसमें कि हमारी जो आईटीआई की वैकेंसी थी, जैसे कि असिस्टेंट्स बोरिंग टेक्नीशियंस, इसमें जो है मेट्रिकुलेशन वगैरह मांगी थी और 3 ईयर जो है हायर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन मांगी थी। बट हमारे आईटीआई के जो टेक्नीशियंस हैं उनके लिए फिटर हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस है, टर्नर हैं, और यहाँ ये मशीनिस्ट है और वेल्डर। यदि इन स्टूडेंट ने दूसरा फार्म, कौन सा फार्म मैं आपको दिखाता हूँ, यदि उन स्टूडेंट ने ये वाला जो नोटिफिकेशन निकला था, देखिए 22/2020 को एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि आपका 188 ये जो हमारा पोस्ट कोड है, इसके बाद मैं समझाऊंगा कैसे देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये भी वैकेंसी निकली थी जो कि हमारी मेट्रिकुलेशन से थी, 10वीं पास से थी, है ना, 12th से थी। तो ये जो हमारा ओवर सीजर लिखा है, इसके बाद एडमिन की थी, जूनियर केमिस्ट की थी। तो ये जो वैकेंसी है, यदि इन स्टूडेंट ने ये वाला फॉर्म भरा था, देखिए ये वाला फॉर्म आईटीआई वाला भरा था, या आईटीआई स्टूडेंट ने ये वाला फॉर्म, दोनों फॉर्म भरे हैं, उनका एग्जाम है, तो उसका परीक्षा जो केंद्र एक ही रखी जाएगी। कैसे रखी जाएगी, उसके लिए आपको एक लिंक पे क्लिक करना और अपना डाटा सेंड करना है। ठीक है, तो देखिए जानकारी जो अभ्यर्थी को 2 दिसंबर 2020 तक जो है उससे पहले प्रस्तुत करनी होगी। कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप लेटर को पूरा पढ़ सकते हैं, हिंदी व इंग्लिश दोनों में दिया गया है। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि इसके उपरांत दोनों सूचनाओं की अपेक्षा अलग अलग पदों के लिए लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप 2 दिसंबर के बाद करते हैं तो आपका कोई एक परीक्षा केंद्र ही होगा, अलग अलग सेंटर अलग अलग स्टेट में पढ़ सकता है। ठीक है, आगे जो कह रहा है कि उपरांत जो है लिंक के अनुसार अवांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आवेदन विभिन्न पदों हेतु विभिन्न जो है परीक्षा केंद्र, मैं आपको बता चुका हूँ, विभिन्न परीक्षा केंद्र में करा दिया जाएगा। कैसे करना है देखिए, आप यहाँ पे आपको क्लिक करना था, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिंक है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो मैंने नई विंडो खोली हुई है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, ये वाली विंडो पर अगर हम आते हैं तो ये हमारा लिंक था, हमने जो है इस पर क्लिक करा। देखिए किस पे क्लिक किया था हमने, यहाँ जो है हमारी सूचना दी गई है ये वाली, इसमें एक लिंक है ये वाला, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो सामने आपके ईमेल आईडी मांगेगा, इसके साथ में डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो हमने ऑलरेडी ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से जो है इसको ओपन कर लिया है। तो कैसे किया है हमने ओपन, देखकर दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो है आपका ओपन करने के बाद इस टाइप से आएगा।
तो हमें यहाँ देखना है कि ये देखिए एनसीएल एचक्यू पीडी मैन पावर डीआर 1920, ठीक है 188। अब ये जो पोस्ट कोड था वो कौन सा था, ये जो जिसमें ये वाली वैकेंसी थी, यदि इन विद्यार्थियों ने जैसे मान लिया हमारा ये अकाउंटेंट का है इस पर क्लिक किया और इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ भरा जाएगा, ठीक है ये ध्यान से देखना, इसका रजिस्ट्रेशन यहाँ भरा जाएगा और आपने जो कि ये वाली भर्ती की जो वैकेंसी थी हमारी जो आईटीआई के, देखिए ये जो हमारे आईटीआई के स्टूडेंट थे या फिर नॉन आईटीआई के स्टूडेंट थे ये वाले, इन्होंने दोनों ने ही आपने यानी कि आपस में आपने दोनों फॉर्म भरे हैं, तो आपको केवल आपको यहाँ पे जाना है और आपको जैसे मान लिया आपने फिटर से फॉर्म भरा था, आपने आईटीआई भी की हुई है, तो आपको उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है, उस वाली पोस्ट का यहाँ मेंशन करना है, देन सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर से समझ लें, मैं आपको फिर से एक छोटी सी बता देता हूँ। एनसीएल ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि एक लिंक दिया है कि यदि आपने कोई दो फॉर्म भरे हुए हैं इस वैकेंसी का, ये जो पोस्ट कोड आप यहाँ देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, और ये पोस्ट कोड ये है हमारे पोस्ट के जो नेम है और ये वाला पोस्ट नेम, आपने दोनों फॉर्म भरे हैं और ये वाली ट्रेड है इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर उसका डाटा सेंड करना है। इससे कोई आपका नुकसान नहीं है, इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कोविड वगैरह चल रहा है तो ज़्यादा जो है आप डिस्टेंस में नहीं जाएंगे, तो उससे क्या एक ही सेंटर हो जाएगा, तो आपका एग्जाम जो है एक ही सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डाटा को आप जरूर सबमिट करें, फिटर मशीनिस्ट टर्नर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ये फॉर्म भरा था, यानी कि जिनके फॉर्म सीए वगैरह ये जो इन्होंने आईटीआई भी इसके मांगी थी इसके अंदर, है ना, ये जो है स्टूडेंट अगर इन्होंने दोनों फॉर्म भरे हुए हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको ये नोटिस देना जरूरी है, ना जरूरी भी है, आप जरूरी मान सकते हैं क्योंकि आपका ही बेनिफिट है इसमें, ठीक है। तो इसको आपको सबमिट कर देना, ये इसमें जानकारी है जो कि नोटिस में पूरे के पूरे हिंदी पढ़े आप चाहे इंग्लिश में पढ़े वही कह रहा है, ठीक है। तो ये संदर्भ संख्या है जो कि इनका लेटर संख्या है, डेट 26/11/20 में ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा और वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सभी क्लासेस हमारी इस पर अपलोड हैं। अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर आपको अलग अलग क्लासेस के कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, बाय बाय।